हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि Samsung J2 Core का FRP कैसे बाईपास करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है। एकदम इजी ट्यूटोरियल आपके लिए बनाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, तो स्टार्ट देते हैं। उसके बाद अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। तो आपको पहले दिखा देता हूँ इसमें FRP लगा है या नहीं। तो देख सकते हैं वेरीफाई पैटर्न बोल रहा है, यानी कि इसमें FRP लक लगा हुआ है। देखिए वेरीफाई योर अकाउंट बोल रहा है। तो हमें क्या करना है अब इसे फिक्स करने के लिए, मेरे बताए हुए स्टेप को आप फॉलो कीजिए। तो देखिए इसमें कोई भी मेथड काम नहीं करेगा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पहले ही ट्राई कर चुका हूँ। तो आपको मैं एकदम बेहतरीन मेथड बताता हूँ। तो आप इसमें एक कोई भी सिम कार्ड इंसर्ट कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या करना है और कैसे इसका FRP बाईपास करना है। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में सैमसंग का USB ड्राइवर इंस्टॉल करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमें इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, FRP हाईजेकर बाय हगार्ट। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ मेरे चैनल पे है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कैसे डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना है। तो अब हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो आपको इसे रन करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले आपको विंडोज़ सिक्योरिटी को डिसेबल कर लेना है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर लिया है। तो इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो इसे मैं इंसर्ट ओपन कर चुका हूं। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो देखिए हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब हमें क्या करना है, डाटा केबल को इंसर्ट करना है। तो देखिए मैंने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया है। आपको अब यहाँ पे जाना है डायलर पे और यहाँ पे स्कैन करना है। तो स्कैन करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका फ़ोन कनेक्ट होगा प्रॉपरली तो यहाँ पे शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पे शो कर दिया है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है 123 और यहाँ डायल पे क्लिक कर देना है। देखिए डायल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको इसे कैंसिल करना है और एड टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ शेयर पे जाना है। उसके बाद आपको गूगल गो पे क्लिक करना है। वी यूज विदाउट अ गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिनिश कर देना है। अब यहाँ अब वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। देखिए यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आइए और यहाँ पे गूगल अप टर्म अप सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 लाइन का डॉट आया हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है और ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारा क्रोम ओपन हो चुका है, एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे। आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा adrom.com/bypass। अब इस फाइल को डाउनलोड करना है और इस फाइल को एंड्रॉयड 9.10 लिखा है इसको और FRP बाईपास, ये दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा।
यहाँ पे कोई भी गूगल अकाउंट आपको इंटर कर लेना है। और पासवर्ड भी इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, ये साइन इन हो रहा है। तो देखिए कम्प्लीटली साइन इन हो चुका है। अब हमें मोबाइल को रिबूट कर लेना है, यानी कि रिस्टार्ट दे देना है। इसे रिस्टार्ट होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल रिबूट हो चुका है। तो अब हमें इसे सेटअप कर लेते हैं, वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपका भी कनेक्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, कनेक्टिंग हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा, इसे होने देते हैं। तो देखिए गूगल अकाउंट एडेड frpfixer@gmail.com इज रेडी, यानी कि इसमें हमने गूगल अकाउंट ऐड कर लिया है। तो इसे अब ये हमारा FRP का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डोंट रिस्टोर करना है। प्रोटेक्ट योर फोन के लिए बोल रहा है, तो हमें नहीं करना है, स्किप करना है उसको। नो थैंक्स, मोर 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 एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, हमारा FRP कम्प्लीटली बाईपास हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।